वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है टॉप 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑन द फॉर्मल पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत सा इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए आप लोग फास्ट हम लोग को चैनल जो है उसको साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। सो द फास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग क्वान्टिटी टू कम्प्लीट द वन साइकिल। जो वन साइकिल जो कम्प्लीट हो रहा है उसलिए जो टाइम जो लिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, इसको टी से डोनेट होता है। तो ऑप्शन ए टाइम पीरियड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन डी टाइम कांस्टेंट। सो क्या होगा, राइट आंसर होगा टाइम पीरियड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फुल्ली चार्ज लेड एसिड सेल इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फुल्ली चार्ज लेड एसिड सेल इज अप्रोक्सीमेटली 1.18, 1.21, 1.17, 1.16। तो लेड एसिड जो सेल होगा उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, फुल्ली चार्ज है और हाफ चार्ज है। तो इसलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू रहेगा वो 1.21 रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुमिनस ऑफ द स्क्वायर इज इन्वर्सली, लुमिनस ऑफ द स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सोर्स एंड द लुमेन। सो लुमिनस जो ऑफ द स्क्वायर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो स्पीड ऑफ द डीसी मोटर हम लोग को जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हम लोग क्या है, बैक ईएमएफ से, और क्या होगा, तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होगा पी फाई एन जेड बाई 60A। इससे हम लोगों को पता लग जाएगा क्या लग जाएगा, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी, इसको हम लोगों को पता लग गया, और एन प्रोपोर्शनल टू वन बाई फाइव। सो क्या आंसर होगा, बैक ईएमएफ एंड द फ्लक्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैक ईएमएफ एंड द फ्लक्स। उसके बाद जो क्वेश्चन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉयल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 4L। यहाँ पे इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 4। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है L इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और क्या होगा 2πf इंटू एल। यहाँ पे क्या है 2 × 3.14 × 50 × 4, सो इसमें मिलेगा 1296। सो हम लोगों को जो वैल्यू मिल गया वो 1296। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जेनरेटर एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। यहाँ पे लिखा हुआ जेनरेटर एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन, ऑप्शन ए वेरिएबल लॉस इज मिनिमम, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस इज मिनिमम, कांस्टेंट लॉस इज हाफ ऑफ द वेरिएबल लॉस। सो यहाँ पे जो आंसर होगा हम लोगों का, जो एफिशिएंसी जो मैक्सिमम मिलेगा क्या है, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू जब वेरिएबल लॉस होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस। सो उसके बाद जो क्वेश्चन है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। सो सीरीज में जब कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर का कनेक्शन दिस टाइप रहेगा। तो इससे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/C = 1/C1+1/C2+1/C3, ये रहेगा। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी रहेगा, 1/C = 1/C1+1/C2+1/C3+1/C4। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द एक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द एक्टिव कंपोनेंट। यहाँ पर ऑप्शन है कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और इंडक्टर और रेजिस्टर। जो एक्टिव कंपोनेंट जो होगा, मतलब एक्टिव कंपोनेंट जो होगा जनरली वो सेमीकंडक्टर होता है। मतलब सेमीकंडक्टर से हम लोग डायोड भी बोल सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट को, और ट्रांजिस्टर का भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में डायोड तो नहीं है तो ट्रांजिस्टर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट। उसके बाद क्या है, फॉर्म फैक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा। फॉर्म फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बाय पीक वैल्यू, पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। फॉर्म फैक्टर का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एडमिटेंस इज द डैश ऑफ द कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस। तो एडमिटेंस जो होगा वो क्या है, एडमिटेंस हम लोग को बोलेंगे क्या है, वाई इक्वल टू वन बाई जेड। मतलब आपका जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस का रिवर्स करेंगे तब हम लोग को मिलेगा वाई। वाई को हम लोग बोल सकते हैं एडमिटेंस। सो एडमिटेंस क्या होगा, एडमिटेंस ऑलवेज द वेक्टर सम होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, वेक्टर सम, वो राइट आंसर होगा। सो हम लोग अभी जो 10 जो क्वेश्चन डिस्कस किया, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप चैट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट मोर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।